हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है थोड़ा सा एक अलग वीडियो होगा। जनरली मैं इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियोस बनाते रहता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इंस्टॉलेशन टाइप की वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हैं मेरा ये नया कैमरा कैनन का EOS 200D Mark II। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कैमरा अभी हाल ही में लिया है और डेफिनेटली दोस्तों मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस कैमरे से। और आज का वीडियो खैर इसके बारे में नहीं है, मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो अपने इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो इसके रिव्यू से रिलेटेड नहीं है। इसका वीडियो आज का जो है वो है, मैंने इस अपने मार्क टू के लिए, जैसा कि आपको पता है कि मार्क टू में ये जो स्क्रीन होती है वो फ्लिप करने वाली स्क्रीन है इस टाइप की कुछ, तो यहाँ पे ये टच, साथ ही साथ दोस्तों ये टच स्क्रीन भी होती है, तो इस टच स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो हर एक कैमरा यूजर को पता होगा कि वो अपने स्क्रीन प्रोटेक्टर या स्क्रीन गार्ड लगा के रखते हैं अपने टच स्क्रीन वाले एरिया के ऊपर। तो मैंने भी इसीलिए आज फ्लिपकार्ट से एक यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगाया है और ये मुझे पड़ा है 149 रुपीज़ का। और डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी सस्ता भी है और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फटाफट से इसे देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो एक मिनट के लिए मैं इस कैमरे को साइड कर देता हूं अपने और फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो सामने जैसे फ्लिपकार्ट की तरफ से इस टाइप की पैकिंग मुझे देखने को मिली थी, तो चलिए खैर स्क्रीन प्रोटेक्टर छोटी सी चीज़ होती है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसे अगर हम ओपन करते हैं इस तरह, तो कुछ इस तरह से ओपन होके ये सामने जो है हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। तो इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए 9H शॉक प्रूफ ग्लास आर्मर लिखा हुआ है, एक्शन प्रो कंपनी की तरफ से आता है। इसमें तो दोस्तों लिखा हुआ है 9H स्क्रैच जो है कि इसमें दिया हुआ है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस है और हैमर टेस्ट वगैरह भी कर रखा है। आपके फिंगरप्रिंट का जो ये नहीं आ जाता, जैसे आप अभी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट बन गया हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो उसको भी ये मतलब उससे भी प्रोटेक्ट करता है आपके कैमरे को, कैमरे की स्क्रीन को। और साथ ही साथ इस पर टच वगैरह में किसी भी तरह की आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है और बाकी सारी चीज़ें हैं। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बस एसी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया हुआ है और इसे कैसे लगाते हैं यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर रखा है साफ साफ। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना होगा तो आप हमारे लिंक में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके जिससे भी आपको सहूलियत लगे आप उससे ख़रीद सकते हैं। और अगर MRP की बात करें तो यहाँ पे 499 की MRP आपको देखने को मिलती है। मैं एक मिनट फोकस करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 499 की MRP आपको देखने को मिलती है। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है। अंदर की तरह अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको डेफिनेटली एक स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है जो कि इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है हमें। एक मिनट इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे अच्छा दो वाइप्स मिलते हैं आपको, एक ड्राई है एक वेट है जो स्क्रीन को साफ़ वगैरह करने के काम में आएगा, तो इसे भी एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक आपको क्लीनिंग क्लॉथ मिलती है जो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर को लगाने से पहले अपने स्क्रीन को काफ़ी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जैसे आप, मेरी स्क्रीन काफ़ी गंदी लग रही है इस समय, तो इसे अच्छे से साफ़ करने के लिए एक ये क्लॉथ भी इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं एक मिनट के लिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो हमें करना होगा वो ये करना है कि हमें चलिए इसको लगा के देखते हैं दोस्तों कैसे इसे लगाना है। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर को भी साइड में रखते हैं और ये वाइप्स को भी साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े से हमें अपने इस स्क्रीन को आराम से क्लीन करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारे उंगलियों के निशान इस पे देखने को मिल रहे हैं, तो पहले हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और अच्छे से इस तरह से हम क्लीन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन हमारा हो चुका है क्लीन और अब हम लेंगे ये वाइप। तो यहाँ पे दोस्तों दो वाइप्स हैं,
तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप भी क्लियरली मेंशन कर रखा है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप वाली वाइप को निकालेंगे जो कि वेट है, इसे निकालते हैं इस तरह से, हम इसे निकालेंगे, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप की कुछ वाइप मिलेगी देखने को। जी हाँ बिल्कुल, ये वेट लगी रही है हाथ से, हाथ में लेने पर ही। इस तरह से हम इसे खोल लेंगे, खोलने के बाद से हम इस पर इस तरह लगा देंगे, और नीचे की तरफ इस तरह आप हाथ लगा रही है दोस्तों, बिल्कुल भी इस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए जहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से गीला कर दिया इसको इसने, और ये देखिए यहाँ पे कोने कोने में हम अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारी ये वाली वाइप यूज हो चुकी है। अब हम लेंगे ये ड्राई वाइप को, हम ड्राई वाइप को लेते हैं और इसे, ये देखिए ड्राई वाइप डेफिनेटली दोस्तों जो वेट वाइप थी उसने जो इसे गीला कर दिया था हमारी स्किन को, उसको सुखाने के काम में आएगा ये। तो हम इस तरह से इसको लेंगे, इस तरह से कुछ क्लीन करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये हमारी स्किन जो है बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लगी है यहाँ पे। तो ये देखिए ये हो गया है, पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया हम इसे। हम इसे भी साइड में रख देते हैं। अब हम उठाएंगे अपना ये स्क्रीन गार्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं कैमरे को, और कैमरे को लेके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं इस तरह से कुछ, और फिर हम नीचे कुछ रख लेते हैं जैसे यहाँ पे, वैसे तो ढक्कन लगा हुआ है। ये देखिए एक बार और हम क्लीन कर लेते हैं इसको अच्छे से, कहीं टच वगैरह हो गया होगा तो। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से क्लीन हो चुका है हमारा ये स्क्रीन। अब हमें करना क्या है, पर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि यहाँ पे लगा है। अब हम इसे निकालेंगे, इसे खोलेंगे और इसे हम बाहर रखते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, तो ये आपका जो है या ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसे हम पहले उखाड़ेंगे यहाँ से, और उसके बाद से हम इसके ऊपर इसको रखेंगे, और फिर ये सेकंड स्टेप है इसको उखाड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे उखाड़ते हैं। तो ये देखिए एक सेकंड, तो ये देखिए हम इसे उखाड़ेंगे तो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा हमें। तो हमने इसे उखाड़ लिया है, और इस तरह से हम इसे यहाँ पे इस तरह से कुछ लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे रख लिया है, और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हम प्रेस करते हुए चारों कोने तक इसे पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से माउंट हो गया है, और इसमें किसी भी तरह की आपको बबल देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए अगर आप अच्छे से इसे लगाते हैं तो इसका यही खासियत है कि आपको किसी भी तरह की एयर बबल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको वो कर देंगे, और उसके बाद से ये जो सेकेंड स्टेप है, तो यहाँ किनारे से हम इसे पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद हम इसे हटा देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद से हम इसे आराम से इजीली क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों फाइनली जो है कि, अब मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली जो है कि हमारा ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, माउंट हो चुका है इस पे स्क्रीन प्रोटेक्टर, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब हमारी स्क्रीन एटलीस्ट अच्छे से जो है काम भी कर रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, या देखिए आराम से काफ़ी ईजिली जो है स्क्रीन आराम से काम कर रही है, काफ़ी ईजिली स्क्रीन आराम से काम भी कर रही है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस टाइप के और कुछ इससे बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, हम उस स्पेशल पॉइंट पे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। तो बस, तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।